क्वेश्चन इज लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस फी। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट, दैट इज लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो एंड द न्यूमरेटर ऑफ द फंक्शन इज दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस थ्री। ठीक है, अब देखिए इन केस अगर मैं इस फंक्शन में एक्स को जीरो की ओर अप्रोच कराता हूँ तो ये जो डाटा है ये आपका अप्रोच करेगा वन की ओर, और वन माइनस वन पे अगर अपन कमेंट करेंगे तो न्यूमेटर आपका जीरो की ओर टेंस करता है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो डिनोमेटर में ये क्वांटिटी आपकी थ्री की ओर टेंस करेगी अगर आप एक्स को जीरो की ओर अप्रोच कराते हैं, और थ्री माइनस थ्री ये भी आपका जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है। फाइनली ये जो फॉर्मेट है ये है जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट का। ठीक है, विच इज बेसिकली द इनडिटरमाइंड फॉर्म। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए मुझे इसे थोड़ा सा रेशनलाइज करना पड़ेगा, या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं इसमें लॉपिटल की तरफ मूव करूं। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं कोशिश कर रहा हूं कि विदाउट लॉपिटल अगर मुझे इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो क्या प्रोसेस मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको रेशनलाइज करने जा रहा हूँ, न्यूमेटर वाले पार्ट को भी और डिनोमेटर वाले पार्ट को भी। इसके लिए हमें करना ये होगा कि अगर न्यूमेटर में मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, और मैं अगर इसको रेशनलाइज करने जा रहा हूँ तो मुझे इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस डाटा का मैंने मल्टीप्लाई किया और सेम डाटा से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन से। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करें तो इसका डिनोमिनेटर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस के नाइन माइनस थ्री, और इस टर्म को भी मैं रेशनलाइज करने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस के नाइन प्लस थ्री, अगर आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस करने के लिए आपको इसे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी तक जो कुछ मैंने किया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगली स्टेप में मूव कर जाते हैं। नाउ दिस विल बिकम लिमिट लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ए माइनस बी एंड दिस इज ए प्लस बी। तो यहाँ पे अगर अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन के। सिमिलरली आप देख सकते हैं एक तो ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में आपको नजर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के नाइन माइनस नाइन के। ठीक है, अब जो डाटा आपके पास बचा हुआ है अगर आप इसको चेक करें तो एक तो टर्म आपके पास ये मौजूद है, ये अभी आपके पास एक एक्स्ट्रा टर्म है तो इसको आपको लिख लेना चाहिए, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस के नाइन प्लस के थ्री, और डिनोमिनेटर में एक टर्म आपके पास मौजूद है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वन प्लस वन के। ठीक है, चलिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वन से वन आपका कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे नाइन से नाइन कैंसिल हो रहा है, और आफ्टर दीज टू कैंसिलेशन आप एक्स स्क्वायर को भी एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं। और इनकेस अब अगर मैं इस फंक्शन में एक्स को जीरो की ओर अप्रोच कर रहा हूँ तो ये जो क्वांटिटी है ये अप्रोच करेगी थ्री की ओर। तो न्यूमिटर में आपको मिलेगा थ्री प्लस थ्री और डिनोमिटर में आपको मिलने जा रहा है वन प्लस वन, जिसे आप लिख सकते हैं सिक्स अपॉन टू, एंड फाइनली योर आंसर इज थ्री।